चलो देखो स्टार्ट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं किसके बारे में, न्यूक्लियो फाइल के बारे में। तो चलो देखते हैं क्या होता है न्यूक्लियो फाइल। तो देखो न्यूक्लियो फाइल में हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियो, न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मतलब कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियस कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। फाइल PHILE फाइल, फाइल मीन्स लविंग, दैट मीन्स न्यूक्लियो फाइल क्या होते हैं, दोस स्पीसीज विच आर न्यूक्लियस लविंग, दैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज लविंग स्पीसीज, है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स, न्यूक्लियोफाइल्स आर पॉजिटिव चार्ज लविंग स्पीसीज, चार्ज लविंग स्पीसीज। तो न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज लविंग स्पीसीज होते हैं, है ना। या हम बोल सकते हैं स्पीसीज, स्पीसीज विच हैविंग, विच हैविंग टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, वो स्पीसीज जिनके पास इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी है, तो वो भी क्या होते हैं, वो भी बेटा न्यूक्लियोफाइल होते हैं। बोलो क्लियर है। अब देखो कैसे पहचानेंगे, याद है इलेक्ट्रोफाइल में केसेस पढ़े थे, तो न्यूक्लियोफाइल में भी केसेस पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं केस वन, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट क्या बोल रहा है, जितनी भी नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज होती है वो सबकी सब न्यूक्लियोफाइल होती है, दैट मीन्स ऑल नेगेटिव चार्ज स्पीसीज बिहेव्स लाइक न्यूक्लियोफाइल, बिहेव्स लाइक न्यूक्लियोफाइल, है ना। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया एच नेगेटिव, अब बोलो कि सर हमने तो आज तक क्या पढ़ा है, एच पॉजिटिव, लेकिन एच नेगेटिव भी होता है। एच नेगेटिव को जिसके भी पीछे नेगेटिव चार्ज आता है उसके पीछे आईडीई एटीई और आईटीई लगता है, तो ये क्या हाइड्राइड, जिसके भी पीछे नेगेटिव चार्ज आएगा, जिस पे भी नेगेटिव चार्ज आएगा उसके पीछे आईटीई आईटीई लगेगा या आईडीई लगेगा या फिर एटीई लगेगा, तो ये हाइड्राइड है ना। तो नाम पता है तो अच्छी बात है। अच्छा और देखो ये हाइड्राइड, ऐसे लिख दो ये हाइड्राइड, और देखो एक्स नेगेटिव, एक्स इज हेलोजन, एक्स इज हेलोजन, तो इसका नाम क्या होगा, हैलाइड, क्या नाम होगा, हैलाइड। जैसे मैंने बोला सी एल नेगेटिव, हेलोजन का ही पार्ट है ये, तो क्या बोलेंगे इसको, क्लोराइड। अच्छा देखो मैंने ऐसे बोल दिया सी एस थ्री नेगेटिव, सी एस थ्री ग्रुप कैसा होता है, क्या होता है सी एस थ्री ग्रुप, मिथाइल, लेकिन अब नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, मिथाइल, तो इसका क्या नाम हो गया, मिथाइल। तो ये क्या होगा, ये होगा मिथाइल। बोलो पता चल रहा है। और बोलो बी आर नेगेटिव ब्रोमाइड, ओ एच नेगेटिव हाँ हाइड्रोक्साइड, बोलो दिख रहा है। तो जितनी भी नेगेटिव चार्ज स्पीसीज होती है ऑल नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज बिहेव्स लाइक न्यूक्लियोफाइल, तो ये सब किसकी तरह बिहेव करेंगी, न्यूक्लियोफाइल। बोलो देख के पहचान जाओगे, है आसान, कोई डाउट। चलो ये था केस वन। अब केस सेकंड क्या आता है, केस सेकंड आता है आपका ऑल स्पीसीज विच हैविंग पाई इलेक्ट्रॉन्स, क्या होते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स, अभी बताऊंगा घबराऊंगा, विच हैविंग पाई इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर का मतलब पाई बॉन्ड की बात कर रहे हैं, है ना, एंड लोन पेयर, ऐसे लिखते हैं पूरा लोन पेयर, बिहेव्स लाइक न्यूक्लियो, न्यूक्लियो फाइल, ठीक है। तो जितनी भी पाई इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीसीज है वो भी किसी तरह बिहेव करती है, न्यूक्लियो फाइल की तरह। बोलो क्लियर है। चलो देखो एक एग्जांपल देखें, इसको मिटाते हैं। अभी आप देखो मैंने बोला NH3,
क्या नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है? क्या वो उसको डोनेट कर सकता है? ये जो बना हुआ ये क्या है? ये लोन पेयर है। लोन पेयर क्या होता है? वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो फ्री है, जो बॉन्ड फॉर्मेशन में काम नहीं कर रहा। बोलो क्लियर है ये बात? पक्का? कोई डाउट? चलो आगे बढ़े। देखो मैंने बोला NF3, बोलो अब भी तो लोन पेयर है, अब भी क्या लोन पेयर फ्री है? तो अब भी ये किसकी तरह बिहेव करेगा? बोलते क्यों नहीं हो? किसी तरह बिहेव करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह करेगा? नहीं करेगा। चलो बताओ क्यों नहीं करेगा? तो हाँ, तो फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो आगे बोलो। हाँ, वो लोन पे डोनेट नहीं करने देगा। क्यों? कल इलेक्ट्रोफाइल में ये पार्ट पढ़ा था ना कि अगर कोई भी एटम दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से कंबाइन हो रहा है तो फिर भले ही उसके पास लोन पेयर हो, वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव नहीं करेगा। तो NF3 किसकी तरह बिहेव कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल, सॉरी इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रो, मैंने न्यूक्लियोफाइल बोल दिया था क्या? हाँ, तो इलेक्ट्रोफाइल तो किसकी तरह बिहेव करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। तो अगर कोई भी ऐसा एलिमेंट है, भले ही वो लोन पेयर को कैरी कर रहा है, लेकिन अगर दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा हुआ है तो वो हमेशा किसी तरह बिहेव करेगा? इलेक्ट्रोफाइल की तरह। तो NF3 क्या हो गया? इलेक्ट्रोफाइल। जबकि NH3 क्या है? न्यूक्लियोफाइल। बोलो समझ आया? इसको याद रखना। अच्छा देखो, मैंने बोला PH3 के पास फॉस्फोरस में लोन पेयर, फॉस्फोरस नाइट्रोजन की फैमिली का है और नाइट्रोजन के पास वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अब भी किसकी तरह बिहेव करेगा? ये न्यूक्लियोफाइल। तो ये भी न्यूक्लियोफाइल है, N लिख दूं, ये भी न्यूक्लियोफाइल है। अच्छा NF3 इलेक्ट्रोफाइल था, आपको समझाने के लिए एग्जांपल मैंने लिया ताकि आप लोग समझ पाओ, ठीक है? चलो देखो नेक्स्ट। बोलो, मैंने बोला वॉटर H2O, भैया ऑक्सीजन पे तो दो दो लोन पेयर है, तो अब तो डोनेट करेगा ना, है ना? ऑक्सीजन है, उससे दो हाइड्रोजन जुड़े, क्या हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है? नहीं है। तो अब ऑक्सीजन आराम से लोन पेयर को डोनेट कर पाएगा। बोलो पता चल रहा है? तो ये भी क्या होगा? एक तरह का न्यूक्लियोफाइल। और देखो, और एग्जांपल ले लूं, मैंने बोला CH3OH, बोलो क्या ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है? बोलो है। अगर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, क्या डोनेट कर पाएगा? अरे बोलो, करेगा ना? क्यों नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा? करेगा भाई, कार्बन के ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये भी किसकी तरह बिहेव करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह। N मतलब न्यूक्लियोफाइल, तो जिसमें NN लिखा वो न्यूक्लियोफाइल, सिर्फ NF3 इलेक्ट्रोफाइल था, आप कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए लिख रहा हूं। अगर मैंने बोला C2H5O-, तो ये तो नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज है, अगर ये नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज है तो ये तो न्यूक्लियोफाइल होगा ही होगा, तो भैया ये तो न्यूक्लियोफाइल है। अब तक आपने देखे पाई इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर, लेकिन अब आप पाई इलेक्ट्रॉन्स देखोगे इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड पेयर। जैसे और एग्जांपल देखो, मैंने बोला ये तो सारे लोन पेयर की फॉर्म में थे, अब और एग्जांपल लिख लेते हैं बॉन्ड पेयर की फॉर्म में। मैंने बोला CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो एक बॉन्ड सिग्मा लेकिन एक पाई, और जिसके पास पाई बॉन्ड होगा किसकी तरह बिहेव करेगा? न्यूक्लियोफाइल। तो ये भी क्या है? न्यूक्लियोफाइल। एक और एग्जांपल ले, मैंने बोला CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एक सिग्मा और दो पाई। अच्छा जरा बताओ, यहां पे तो मैंने पाई ऊपर वाला बनाया, यहां पाई नीचे वाला बना दिया, होना कौन सा चाहिए, ऊपर वाला नीचे वाला? कोई सा भी हो सकता है, आप डिसाइड नहीं कर सकते हो, आपको तो इतना कंसीडर करना है एक सिग्मा एक पाई। तो ऐसा कोई कुछ वो नहीं है कि भैया पहला सिग्मा होगा बाकी पाई, या पहले पाई बाकी सिग्मा, ऐसा कुछ नहीं, आप किसी को कंसीडर कर सकते हो। अच्छा देखो ध्यान से, एक एग्जांपल और दूं। देखो क्या आप इसको जानते हो? ये बेंजीन, कौन सी रिंग है ये? बेंजीन। क्या ये भी न्यूक्लियोफाइल होगा? देखो क्या पाई बॉन्ड है, तो ये भी किसकी तरह बिहेव करेगा? न्यूक्लियोफाइल। बोलो बता पाओगे? दो केस पता पड़े। थर्ड केस देखो, केस नंबर थर्ड, केस नंबर थर्ड है ऑर्गेनोमेटेलिक, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, कंपाउंड्स बिहेव्स, बिहेव्स लाइक न्यूक्लियोफाइल, बिहेव्स लाइक न्यूक्लियोफाइल।
जितने भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक, ऑर्गेनो मतलब ऑर्गेनिक, ऑर्गेनो मतलब ऑर्गेनिक और मेटेलिक मतलब मेटल, तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन भी आ रहा हो, क्योंकि कार्बन ही क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो जिसमें कार्बन भी आ रहा हो और साथ में मेटल भी आ रहा हो, उन कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। कैसे, देखो एग्जांपल में ले रहा हूं, ग्रिगनार्ड रिएजेंट, ग्रिगनार्ड रिएजेंट, देखो क्या होता है ग्रिगनार्ड रिएजेंट, एक एल्काइल ग्रुप होगा, एल्काइल मतलब समझते हो, यहां बना दूं, एल्काइल, एल्काइल मतलब, एल्काइल को डिनोट करते हैं आर से, और अब आर क्या होगा, या तो होगा सी एस थ्री या होगा सी टू एच फाइव, दैट मीन्स जो एल्केन होता है ना उसमें से एक हाइड्रोजन हटा दो एल्काइल बन जाता है, जैसे सी एच फोर क्या होता है मिथेन, एक हाइड्रोजन हटाया मिथाइल, सी टू एच सिक्स होता है इथेन, एक हाइड्रोजन हटाया क्या बना इथाइल, बोलो पता चल रहा है, कोई डाउट, शाबाश। तो आर एम जी एक्स, एक्स इज हैलोजन, अब इसमें ऑर्गेनोमेटलिक पार्ट कौन सा है, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट है जो आर एम जी है, ये है ऑर्गेनो, ऑर्गेनोमेटलिक, मेटलिक पार्ट। अब ये कैसे बिहेव कर रहा है न्यूक्लियोफाइल की तरह, वो तो जानो, जरा बताओ मैग्नीशियम इज अ मेटल, और मेटल पे और मैग्नीशियम पे मेटल पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव, और मैग्नीशियम में तो कितना होगा, टू पॉजिटिव, अगर मैग्नीशियम पे टू पॉजिटिव है, हेलोजन, ये एक्स क्या है, एक्स इज हेलोजन, हम हेलोजन की बात ही नहीं कर रहे, हम तो ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड में ऑर्गेनोमेटलिक पार्ट देख रहे, तो हेलोजन पे नेगेटिव होगा, होने दो हमें क्या लेना, लेकिन मैग्नीशियम पे प्लस टू, तो आर पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। अब कंफ्यूज मत होना कि सर ये प्लस टू होते हैं माइनस टू आएगा, क्यों, क्योंकि एक नेगेटिव हेलोजन भी तो लेके जाएगा, तो एक माइनस दो माइनस इक्वल टू दो प्लस, पता चल रहा है। अब एल्काइल ग्रुप के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, और जो नेगेटिव चार्ज स्पीसीज होती है वो किसकी तरह बिहेव करती है, न्यूक्लियोफाइल की तरह, पता चल रहा है, तो एल्काइल ग्रुप यहाँ किसकी तरह बिहेव कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप बिहेव्स लाइक न्यूक्लियोफाइल इन ऑर्गेनोमेटलिक, इन ऑर्गेनोमेटलिक, हाँ ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। बोलो बच्चों क्या समझ पा रहे हो, बोलो हाँ या ना, समझ रहे हैं, लेकिन सर मैग्नीशियम पे भी तो पॉजिटिव चार्ज है, तो वो भी तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, है ना, तो फिर आपने सिर्फ न्यूक्लियोफाइल बोला, आपने क्या बोला कि ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल होते हैं, लेकिन सर मैग्नीशियम पे पॉजिटिव है, इसके मतलब वो भी तो किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह करेगा, इसका मतलब क्या ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड में इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों होते हैं, अरे बोलो होंगे ना नहीं होंगे, मैं अरे क्यों, अरे यार कल तो पढ़ा है, क्या मैग्नीशियम का ऑक्टेट कंप्लीट है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, हाँ कितना 12, मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, दो आठ दो, जब टू पॉजिटिव आ गया तो दो तो गायब हो गया ना, और जब ऑक्टेट कंप्लीट है तो वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, नहीं करेगा ना, फिर क्यों कह रहे हो कि इलेक्ट्रोफाइल है, तो क्या मैग्नीशियम इलेक्ट्रोफाइल होगा, क्योंकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, और जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव नहीं करता, तो सिर्फ न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, वो भी कौन सा पार्ट, एल्काइल पार्ट, हैलोजन पार्ट से हमें कोई लेना देना नहीं, बोलो समझ पा रहे हो, ठीक है, और भी ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है, अब आप पहचान जाओगे, एक दो ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड और लिख दूं, है ना, जैसे कहां लिखूं, यहां लिख देता हूं, आप इसके बाद लिख लेना ताकि फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लेंगे, जैसे मैंने बोला आर टू सी यू एल आई इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं गिल मान, गिलमान्स रिएजेंट, है ना, अच्छा ये इंडिया के नहीं है, पता पड़ा कि एक जस्सी गिल एक गुरुमान, दोनों दोस्तों को मिला के बन गया गिलमान, ऐसा नहीं है, है ना, ये फॉरेन का ही साइंटिस्ट था, तो ये सोचना मत कि अरे गिलमान ये तो अपने पंजाबी भाई है, तो ये हमारे पंजाबी भाई नहीं है, है ना, तो गिल मान साइंटिस्ट है और उनका रिएजेंट है आर टू सी यू एल आई, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, कोरियाउस सिंथेसिस में आएगा, अभी बेस्ट प्रिपरेशन मेथड है फॉर प्रिपरेशन ऑफ
बोथ सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल एल्केन, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक और देख लेते, आर टू जेड एन, आर टू जेड एन इज फ्रैंकलाइन, फ्रैंकलाइन रिएजेंट, आर टू जेड एन इज फ्रैंकलाइन फिंकलस्टीन नहीं, फ्रैंकलाइन रिएजेंट, बोलो भाई चल रहा है। अच्छा यार एक और मुझे बताओ, यहां बना दूं क्या यार, मुझे थोड़ी जगह की कमी लग रही है, यहां बना देता हूं, है ना। इसके नीचे इसको लिखना फर्स्ट, उसके नीचे इसको लिखना, जरा बताओ एल आई ए एल एच फोर या फिर एन ए बी एच फोर, आप लोग मुझे बताओ क्या ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेंगे, बोलो क्या ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेंगे, करेंगे ना। हाँ तो जो जो आपके रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं ना वो भी किसकी तरह बिहेव करते हैं, न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो इस पॉइंट को मैं यही लिख देता हूं, रिड्यूसिंग एजेंट्स, रिड्यूसिंग एजेंट्स ऑल्सो बिहेव लाइक, ये रिड्यूसिंग एजेंट है बेटा, अभी याद रखना, अभी इसे आगे एक्सप्लेन करेंगे, अभी रिड्यूसिंग एजेंट जब सेपरेटली पढ़ेंगे ना तो इसको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है चिंता मत करो। तो रिड्यूसिंग एजेंट्स सिर्फ ये दो ही याद रखना काफी है, ऑल्सो बिहेव्स बिहेव्स लाइक न्यूक्लियो, हाँ न्यूक्लियो फाइल, बोलो पता चल रहा है। तो इतना लिखने के बाद ये इसके साथ एग्जाम्पल में लिखना, फर्स्ट एग्जाम्पल है ग्रिगनार्ड रिएजेंट, सेकेंड इज आर टू सी यू एल आई, थर्ड वन इज दिस, फोर्थ वन इज दिस, है ना। तो ये चारों एग्जाम्पल लिखना, है ना। तो चलो जरा नोट करो, फिर दो तीन पॉइंट्स और हैं उनको भी पढ़ते हैं, है ना, करो बेटा नोट। चलो तो आगे बढ़े, देखो नेक्स्ट कितने केस हो गए, तीन केस हो गए, है ना। अब फोर्थ केस की बात करते हैं, देखो केस फोर्थ क्या बोल रहा है उसको देखते हैं। तो देखो क्या बोल रहा है केस फोर्थ, केस फोर बोल रहा है बेटा अपना, केस फोर, फोर्थ केस क्या बोल रहा है, फोर्थ केस बात कर रहा है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल के बारे में, किसके बारे में बात कर रहे हैं, एम्बिडेंट, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। तो केस फोर्थ किसके बारे में बात कर रहे हैं, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। क्या होते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स वो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं जिनके पास दो डोनर साइट्स होती है या दो से ज्यादा डोनर साइट्स होती है, है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं, स्पीसीज विच हैविंग टू और मोर देन टू डोनर साइट्स, टू डोनर साइट्स। अच्छा लेकिन एक बात और देखो, दो या दो से ज्यादा डोनर साइट्स हो सकती हैं लेकिन एट अ टाइम सिर्फ एक ही एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, है ना। तो हैविंग टू और मोर देन टू डोनर साइट, बट एट अ टाइम ओनली वन एटम कैन बिहेव्स, हाँ बोलो, लाइक न्यूक्लियोफाइल, एक मिनट बेटा, बिहेव्स लाइक न्यूक्लियोफाइल, हाँ बोलो। अच्छा चलो शाबाश, तो सिर्फ क्या होगा, सिर्फ एक ही एटम किसी तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल। कैसे, देखो एग्जांपल देता हूं, मेरा एग्जांपल है बेटा NH2, इसको बोलते हैं हाइड्राजीन, याद रखना क्या बोलते हैं, हाइड्राजीन। अभी आगे जाके पढ़ेंगे इसको वुल्फ क्रिश्नन रिडक्शन रिएक्शन में, ये रिड्यूसिंग एजेंट है ना। देखो हाइड्रोजन में नाइट्रोजन के पास होते हैं लोन पेयर, अगर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है तो भैया जिसके पास लोन पेयर होते हैं वो क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल। तो इसका मतलब ये भी न्यूक्लियोफाइल और ये भी न्यूक्लियोफाइल, लेकिन एट अ टाइम या तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा या ये करेगा। ऐसे देखो एक एग्जाम्पल और लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, ये फर्स्ट मैंने बोला सी एन नेगेटिव, तो सी एन नेगेटिव बनता कैसे है उसको देखो। मैंने बोला सी ट्रिपल बॉन्ड एन और नेगेटिव, रियल में नेगेटिव चार्ज कार्बन पे होता है, हम जब लिखते हैं ना सी एन नेगेटिव तो हमें लगता है कि नेगेटिव चार्ज किसके पास है, नाइट्रोजन के पास है, लेकिन रियल में नेगेटिव चार्ज किसके पास होता है, कार्बन के पास होता है, क्लियर है। अब अगर मैंने बोला कि यहाँ पे कोई भी एक स्पीसीज है, मैंने बोला एक एम स्पीसीज है
और इस एम स्पीसीज को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा वही क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल। अगर कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो कार्बन कर रहा है, तो मैं यहाँ की जगह ऐसे बना दूं, इस नेगेटिव को तो यहीं लिखे रहने देता हूँ और ऐसे डोनेट करा देता हूँ। तो जैसे नेगेटिव को यहाँ लिखे रहने दिया और डोनेट कराया, तो अगर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, अब कौन डोनेट कर रहा है, कार्बन, तो इसका नाम क्या होगा, साइनाइड। क्या नाम होगा, साइनाइड। लेकिन अगर मैं यहीं पे एक और एग्जांपल लूं, इसी का सेकंड पार्ट ले रहा हूं, मेटल है और मैंने बोला नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन नेगेटिव, क्या आपको पता है नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होते हैं, तो नाइट्रोजन अब की बार क्या कर रहा है, नाइट्रोजन लोन पेयर डोनेट कर रहा है। तो एक बार तो न्यूक्लियोफाइल की तरह कौन बिहेव कर रहा है, कार्बन, एक बार कौन बिहेव कर रहा है, क्या दोनों एक साथ बिहेव कर रहे हैं, नहीं, तो है तो दोनों न्यूक्लियोफाइल लेकिन एट अ टाइम सिर्फ एक ही एटम बिहेव करता है। क्या बोलते हैं ऐसे ऐसी स्पीसीज को, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोसाइनाइड। बोलो पता चल रहा है, ऐसे ही और एग्जांपल बताऊं, देखो एक दो एग्जांपल और ले लो। मैंने एग्जांपल ले लिया NO2, देखो और एग्जांपल ले लो, मैंने नेक्स्ट एग्जांपल ले लिया थर्ड NO2। जैसे ही मैंने NO2 लिया तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होंगे, है ना, तो इसको ऐसे बना लेते हैं, मेटल है, नाइट्रोजन, एक डबल बॉन्ड हो, एक ऑक्सीजन, और यहाँ पे ऐसे बनाते O नेगेटिव, दिस इज NO2, और यहाँ पे नाइट्रोजन पे लोन पेयर डोनेट किया। अब कौन डोनेट कर रहा है, नाइट्रोजन, है ना, ठीक है, तो ये नाइट्रो है, नाइट्रो ग्रुप, है ना। और अब एक एग्जांपल और ले लेते, मैंने बोला M ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड हो, अब कौन डोनेट कर रहा है, ऑक्सीजन। तो जरा ध्यान से देखो, डोनर एटम चेंज हो गया, इसका मतलब NO2 भी क्या होता है, एम्बिडेंटेट या एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। तो एग्जामिनर ये क्वेश्चंस पूछता है ना, आपको ऑप्शंस दे देगा, बोलेगा पहचानो कौन एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है, बोलो पहचान लोगे, अरे बोलो, क्लियर है। चलो इसको बाद नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है ना, एम्बिफाइल, है ना, ये एक अलग से टर्म है, ये केस में नहीं आता है, तो बस एक अलग से टर्म आपको बता रहा हूं, एम्बिफाइल। फिर उसको नोट करके अपन एक क्वेश्चन करेंगे, और उस क्वेश्चन को करने के बाद फिर सॉल्वेंट, एक छोटा सा पार्ट है सॉल्वेंट, वो और पढ़ेंगे यहाँ पर, है ना, उसकी भी रिक्वायरमेंट है अपने को। तो नेक्स्ट इज केस नंबर फोर, फोर तो हो गए, अब केस नहीं है, अब एक नॉर्मल सी हेडिंग, एम्बिफाइल। एम्बिफाइल क्या होते हैं, एम्बिफाइल वो स्पीसीज जिनमें एक एलिमेंट बिहेव कर रहा हो एज अ इलेक्ट्रोफाइल और दूसरा बिहेव कर रहा हो एज अ न्यूक्लियोफाइल, उसी को क्या बोलते हैं, एम्बिफाइल। तो मैं बोल सकता हूं, स्पीसीज इन विच वन एटम बिहेव्स, या वन पार्ट लिखते ज्यादा अच्छा लगेगा ना, वन पार्ट बिहेव्स लाइक इलेक्ट्रोफाइल, लाइक इलेक्ट्रोफाइल, एंड अदर पार्ट बिहेव्स लाइक न्यूक्लियोफाइल आर कॉल्ड एम्बिफाइल्स। क्या आप में से कोई एम्बिफाइल के कोई एग्जांपल बताना चाहेगा, बताओ। चलो एक एग्जांपल मैं बताता हूं, मैंने बोला HOCl, अब Cl पर नेगेटिव और OH पर पॉजिटिव, ये पार्शियल के साइन है, बोलो ऐसे ही होगा, अरे बोलो, तो ये क्या हो गया, एक एम्बिफाइल, पता चल रहा है, नहीं होगा ऐसे, एक बार एक सुनो, क्लोरीन और ऑक्सीजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज जाएगा और क्लोरीन पे, इसको भूलना मत, यही जरूरी है, पता बड़ा तोड़ना ही नहीं आ रहा है ना। अब ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, अब बिहेव कर रहा है एम्बिफाइल की तरह। अच्छा देखो एक और देख ले, मैंने बोला एक एल्काइल ग्रुप है, उससे सी ट्रिपल बॉन्ड है, लो अब देखो बॉन्ड यहां आएगा तो यहां नेगेटिव और यहां, बोलो क्या बिहेव कर रहा है एम्बिफाइल की तरह, अरे बोलो कर रहा है ना। एक और एग्जांपल लूं, मैंने बोल दिया लो CH3
सी डबल बॉन्ड हो सी एस थ्री बॉन्ड यहां आया क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहां नेगेटिव यहां पॉजिटिव, यानी जितने मल्टीपल बॉन्ड वाले हैं जिनमें एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और एक कम है वो सब क्या होंगे MB5। तो देखो पॉजिटिव वाला पार्ट किसकी तरह बिहेव कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह, और नेगेटिव वाला किसकी तरह बिहेव करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो MB5 और एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल दोनों अलग अलग होते हैं, कंफ्यूज मत होना। एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल में दोनों न्यूक्लियोफाइल होंगे, लेकिन MB5 में एक न्यूक्लियोफाइल होगा तो दूसरा इलेक्ट्रोफाइल। बोलो समझ आ रहा है? चलो तो नोट करो, फिर एक क्वेश्चन करते हैं, देन सॉल्वेंट पढ़ते हैं। कर लो नोट। चलो तो देखो एक क्वेश्चन करते हैं, है ना, एक क्वेश्चन कर रहे हैं यहीं पर। हमारा क्वेश्चन है कि हमें कुछ कंपाउंड्स दिए और हमें उनमें इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल पहचानने। तो हमारा क्वेश्चन है आइडेंटिफाई इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। हमें इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल पहचानने है ना। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिख रहा हूं, यानी यहां पर स्पीसीज लिखते हैं, यहां पर इलेक्ट्रोफाइल और यहां पर न्यूक्लियोफाइल। तो पहली स्पीसीज है मेरी ICL, दूसरी BRCL, थर्ड स्पीसीज है मेरी HOF, फोर्थ स्पीसीज है मेरी HOCl, फिफ्थ स्पीसीज है मेरी CLNH2, सिक्स्थ स्पीसीज है मेरी RMGX, द सेवेंथ स्पीसीज इज HC ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव NA पॉजिटिव। ये आपकी 7 स्पीसीज है, आपको इनमें बताना है कौन इलेक्ट्रोफाइल है और कौन न्यूक्लियोफाइल। चलो पहला वाला देखो और बताओ ICL, बोलो कौन इलेक्ट्रोफाइल है, कौन इलेक्ट्रोफाइल है, ब्रेक कर लो। देखो ICL में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा, क्लोरीन, तो CL नेगेटिव और I, तो इलेक्ट्रोफाइल कौन हुआ I पॉजिटिव, और न्यूक्लियोफाइल CL नेगेटिव। बोलो BRCL, BR क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि BR पॉजिटिव, पता है CL इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड CL। बोलो HOF, बोलो इलेक्ट्रोफाइल कौन हुआ, इलेक्ट्रोफाइल कौन है मुझे तो ये बताओ ना, HO या OH, OH और HO सेम होते हैं, OH बोलो। फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, तो यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रोफाइल कौन है, OH, है ना, पॉजिटिव। देखा था ना सर OH पे तो हमेशा नेगेटिव चार्ज आता है, आ गया ना पॉजिटिव, जैसे H पॉजिटिव पे सर हमेशा पॉजिटिव आता है हाइड्रोजन पे, लेकिन नेगेटिव भी तो देखा है। अब देखो फ्लोरीन F नेगेटिव, HOCl बोलो क्लोरीन पे कैसा चार्ज, पॉजिटिव, और ऑक्सीजन पे, कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से ज्यादा होती है, तो यहाँ पे Cl पॉजिटिव और OH नेगेटिव। देखो कंडीशंस बदल गई ना, एक जगह तो OH इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है लेकिन दूसरी जगह न्यूक्लियोफाइल की तरह, है ना, देख रहे हो चीजें कैसे बदलती है। ClNH2, अब Cl मतलब क्लोरीन और NH2 मतलब अमीनिया नाइट्रोजन, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी 3.0 होती है लगभग और नाइट्रोजन की भी 3.0। अब बोलो कौन होगा इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, कौन होगा, क्लोरीन। चलो देखें एक पॉइंट यहां पे आपको बता रहा हूं, उसको यही लिख देता हूं, यही बता देता हूं, यही पे एक पॉइंट लिख रहा हूं, नेगेटिव ऑन लार्ज साइज इज मोर स्टेबल। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो जिसका साइज बड़ा है उस पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है। बोलो नाइट्रोजन क्लोरीन में से किसका साइज बड़ा, किसका, क्लोरीन, तो इसका मतलब क्लोरीन कैसा चार्ज कैरी करेगा, नेगेटिव, और नाइट्रोजन पे क्या आया, तो ये बात याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बोलो इलेक्ट्रोफाइल कौन हुआ, NH2 पॉजिटिव, और न्यूक्लियोफाइल कौन हुआ बेटा,
Cl नेगेटिव, बोलो पता चला, इसलिए यहां जगह छोड़ी थी। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलो, न्यूक्लियोफाइल कौन, R नेगेटिव, मैग्नीशियम पे क्या है पॉजिटिव, तो न्यूक्लियोफाइल कौन हुआ R नेगेटिव। बोलो इलेक्ट्रोफाइल कौन हुआ, MgX, इलेक्ट्रोफाइल कोई नहीं होगा, मैग्नीशियम का ऑक्टेट कंप्लीट है ना भैया, मैग्नीशियम का ऑक्टेट कंप्लीट है ना, छापने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, मैग्नीशियम का ऑक्टेट क्या है कंप्लीट है। चलो यहां बोलो, देखो नेगेटिव चार्ज जिसमें कार्बन पे, जिसमें नेगेटिव वो क्या होता है न्यूक्लियोफाइल, दैट मींस HC ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव क्या हुआ न्यूक्लियोफाइल। तो बोलो इलेक्ट्रोफाइल कौन हुआ, कोई नहीं, कि सोडियम का ऑक्टेट कंप्लीट है तो इलेक्ट्रोफाइल कोई नहीं होगा। तो समझो जब भी कोई भी रिएजेंट आपको मिलता है ना, सुनो अब ध्यान से, मैंने कल जब आपको स्टार्टिंग में चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने क्या बोला था, सबस्ट्रेट से के ऊपर अटैक करता है रिएजेंट, एक सबस्ट्रेट दिया था एक रिएजेंट, तो रिएजेंट जो होते हैं ना वो ज्यादातर इलेक्ट्रोफाइल होंगे या न्यूक्लियोफाइल होंगे या उनका कॉम्बिनेशन होगा। जैसे यहां पर ये क्या है, सिर्फ न्यूक्लियोफाइल है तो ये रिएजेंट है तो ये क्या है न्यूक्लियोफाइल, लेकिन अच्छा ये है तब भी क्या है न्यूक्लियोफाइल, लेकिन ये है तो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल दोनों है, तो रिएजेंट मिलके किसके बनते हैं इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के, तो या तो सिर्फ न्यूक्लियोफाइल होगा या सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल या फिर दोनों होंगे। बोलो समझ आ रही है बात, अरे बोलो क्लियर है, चलो फटाफट से नोट करो फिर एक सॉल्वेंट करा के आज का लेक्चर खत्म करते हैं, है ना, क्विकली नोट करो। चलो देखो अब बात कर रहे हैं किसके बारे में बेटा, सॉल्वेंट के बारे में, है ना, सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्वेंट क्यों हमको सॉल्वेंट की जरूरत पड़ती है। देखो सॉल्वेंट एक ऐसा मीडियम होता है जिसके अंदर हम रिएक्शन कराते हैं, क्योंकि हर एक केमिकल जो है वो लिक्विड स्टेट में तो होता नहीं है, है ना, पता पड़ा कोई केमिकल पाउडर फॉर्म में, अब रिएक्शन कराने के लिए क्या करोगे, ऐसे फेंक के मारोगे मेटल के ऊपर, तांत्रिक बन गए ऐसे, है ना, फेंक के मार दिया रिएक्शन, ऐसे नहीं होता। तो हमें क्या होता है, एक मीडियम चाहिए, और उस मीडियम को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, सॉल्वेंट बोलते हैं। तो किसी भी रिएक्शन को कराने के लिए एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। अब सॉल्वेंट दो तरह के होते हैं, या तो आपका सॉल्वेंट होगा बेटा पोलर, कैसे सॉल्वेंट होगा, पोलर सॉल्वेंट, या तो आपका सॉल्वेंट होगा पोलर या फिर आपका सॉल्वेंट होगा नॉन पोलर, तो या तो सॉल्वेंट होगा नॉन पोलर या फिर होगा पोलर। अच्छा आपको पता है जो पोलर होता है वो पोल बनाता है, बोलो हाँ या ना, पोल मतलब बिजली के खंभे, फिर पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल, जैसे मैंने बोला HCl, तो HCl क्या बना रहा है, H पॉजिटिव और Cl बने ना पोल, तो पोलर मतलब जो पोल्स बने, है ना, तो ये बात तो पता पड़ गई पोलर सॉल्वेंट कौन होते हैं। अच्छा देखो पोलर सॉल्वेंट भी दो तरह के होते हैं बेटा, एक होता है पोलर प्रोटिक और दूसरा होता है पोलर एप्रोटिक, है ना, तो एक होता है पोलर प्रोटिक, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, और दूसरा होता है बेटा पोलर एप्रोटिक, ए प्रोटिक सॉल्वेंट। अभी ये सारे सॉल्वेंट आपको अब आगे रिएक्शंस में यूज आएंगे, जैसे SN1 रिएक्शन आप पढ़ोगे तो देखोगे सर उसमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज होता है, SN2 पढ़ोगे बोले सर नॉन पोलर यूज हो रहा है ना, तो ये चीजें पढ़ोगे आप, है ना। तो देखो पोलर सॉल्वेंट कौन से सॉल्वेंट होते हैं, विच गिव्स, पोलर प्रोटिक कौन से होंगे, विच गिव्स एच पॉजिटिव आयन, एच पॉजिटिव आयन को हम लोग क्या बोलते हैं प्रोटॉन, विच गिव्स प्रोटॉन। जैसे मैंने एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, मैं ज्यादातर उसी सॉल्वेंट को रिएक्शन के लिए यूज करता हूं, बोलो कौन है, H2O पानी, क्या पानी H पॉजिटिव दे सकता है, दैट मींस पानी कैसा सॉल्वेंट है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। अच्छा देखो C2H5OH इथेनॉल, इथेनॉल इज ऑल्सो अल्कोहल, के ये भी H पॉजिटिव देगा, अरे देगा यार, H पॉजिटिव कौन देंगे, फोन से जो हाइड्रोजन जुड़े वो H पॉजिटिव देते हैं, तो ये भी H पॉजिटिव देगा। देखो CH3COOH ये भी H पॉजिटिव देगा, पता चल रहा है, तो ये कैसे सॉल्वेंट है,
ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। अच्छा पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट कौन से होंगे, जो पोलर तो होंगे, पोलर बट नॉट गिव गिव्स प्रोटॉन, प्रोटॉन मतलब एच पॉजिटिव आयन, जो पोलर तो है लेकिन एच पॉजिटिव आयन नहीं दे रहे। जैसे जैसे मैंने बोल दिया एसीटोन, एसीटोन कौन है, एसीटोन एक कीटोन है ना, कीटोन्स। देखो सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड हो सी एस थ्री, अब देखो यहां बना नेगेटिव और यहां बना पॉजिटिव, क्या पोल्स बन रहे हैं, क्या ये पोलर है लेकिन क्या ये प्रोटॉन देगा, अरे क्यों, कार्बन के पास एच पॉजिटिव नहीं है, नहीं देगा, क्यों, एच पॉजिटिव कौन देता है, एच पॉजिटिव देता है फोन, नॉर्मली कौन देता है फोन, ज्यादा ज्यादा ऐड कर लो क्लोरीन, तो फोन कल करना मुझे है ना, तो कौन दे रहा है फोन दे रहा है ना, तो भैया कार्बन से जुड़ा है ना हाइड्रोजन, तो ये तो एच पॉजिटिव आयन दे ही नहीं सकता, बोलो पता चल रहा है, तो ये कैसा है पोलर ए प्रोटिक, बोलो पता चला रहे, बोलो हाँ। एक और देखो एग्जाम्पल नंबर सेकंड, डीएमएसओ, डीएमएसओ का फुल फॉर्म होता है डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, वेरी गुड, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, दैट मींस सल्फर डबल बॉन्ड ओ और सी एस थ्री और सी एस थ्री, और भी होते हैं बहुत सारे, जैसे मैं बोल दूं एग्जाम्पल नंबर थर्ड डीएमएफ, डीएमएफ इज डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, अरे फॉर्मामाइड, डायमिथाइल फॉर्मामाइड, तो डीएमएफ क्या है, डायमिथाइल फॉर्मामाइड, मेन ये तीन ही आपको सबसे कॉमन मिलेंगे, यहां पे ये तीन सबसे कॉमन मिलेंगे, पता चला हाँ। अच्छा पोलर प्रोटिक मतलब पोलर सॉल्वेंट जिसकी डायपोल मूवमेंट नॉट इक्वल टू, अच्छा नॉन पोलर डायपोल मूवमेंट इक्वल टू जीरो, चलो तो नॉन पोलर कौन से होंगे, विच नॉट फॉर्म्स पोल, जिसकी डायपोल मूवमेंट क्या हो जीरो। चलो नॉन पोलर का एक एग्जाम्पल बताओ मुझे, बोलो एफ टू सी एल टू, ये लिक्विड थोड़ी है, ये मीडियम थोड़ी है, हम लोग ऑलरेडी लिक्विड मीडियम यूज करते हैं, सी सी एल फोर कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, क्लोरोफॉर्म नहीं बेटा, क्लोरोफॉर्म तो पोलर है, सी एस सी एल तो नहीं बेटा, सुनो हर चीज को यूज नहीं करते, लिमिटेड ही यूज करते, तो मैं आपको बताता हूँ, आप देखो क्लोरोफॉर्म ठीक है। अच्छा देखो अभी आप वुड्स रिएक्शन पढ़ोगे, 12th में पढ़िए वुड्स रिएक्शन, ड्राई इथर यूज करते थे, तो ड्राई इथर भी क्या एक मीडियम है ना, तो हम क्या बोल सकते हैं और एग्जाम्पल बोल सकते हैं ड्राई इथर, इथर इज आर ओ आर, बोलो वॉट इज आर, आर इज एल्काइल ग्रुप, और बोलो और कोई मीडियम बताओगे, बेंजीन, बेंजीन, बेंजीन भी कैसा मीडियम है, नॉन पोलर, तो यही मीडियम आप नॉर्मली पढ़ते हो ठीक है, तो पता पड़ा सॉल्वेंट, अच्छा सॉल्वेंट का काम पता पड़ा ना, सॉल्वेंट की प्रेजेंस में क्या हो रही है, रिएक्शन हो रही है, यानी केमिकल्स को हम लोग सॉल्वेंट में यूज करते हैं, बोलो क्लियर है, तो आज के लिए इतना, कल से हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट या इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, जिसमें स्टार्ट करेंगे इंडक्टिव, बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई है ना, तो एक्टिव रहना, कल ध्यान रखना, नोट कर